हाय फ्रेंड्स, आज मैं केक बनाने वाली हूँ घर में, जो कि मैं कुकर में बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये सामग्री ली हुई है। 2 कप मैदा लिया है मैंने। मेजरमेंट इस कप से करूँगी। और मैंने ये लिया हुआ है कोको पाउडर, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर और साथ में बेकिंग सोडा। कुछ मैंने कच्चे आम की कैरी घर में बनाई थी, वो बनाई हुई है, वो डालूंगी आज इसमें, क्योंकि मैं इस केक में ड्राई फ्रूट्स आज नहीं डाल रही हूँ, कैरी ही डालूंगी। और थोड़े से मैंने मार्केट से ये लिए हुए हैं टूटी फूटी, वो डालूंगी। साथ में बटर लिया हुआ है, बटर और ऑयल डालूंगी और चीनी, पीसी चीनी। मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। मैंने 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा डाला हुआ है इसमें, मैदे में ही डाला है ये। साथ में इतना ही बेकिंग पाउडर डालूंगी मैं। देखिए, इसी मैदे में डाल रही हूँ मैं, सबको डाल के एक साथ इसमें मिला। मेरा मैदा छन गया है, इसी में ही मैं कोको पाउडर डालूंगी। मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, उसको भी इसी में छान के एक साथ मिला लूंगी। सबको एक साथ स्पून से मिला लूंगी, एक साथ मिक्स कर लूंगी सबको। इसको एक तरफ रख के मैंने एक कटोरा लिया हुआ है, जिसमें सारा मिश्रण घोलूंगी, इसमें तैयार करूंगी। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है, रिफाइंड ऑयल, ये डाल रही हूँ इसमें। मैंने इसमें 1 कप दूध डाला हुआ है, पूरा भर के नहीं लिया, थोड़ा खाली रखा है, इतना दूध डालूंगी इसी ऑयल में ही। देखिए ऐसे, अब इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। बटर डाल रही हूँ, 2 चम्मच में बटर डाली हूँ इसमें, उसको भी मिक्स कर रही हूँ इसी में। देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। मेजरमेंट के लिए मैंने यही कप रखा है, जिससे भी आप केक बनाइए उसी कप से सारा चीज मेजरमेंट करिए, उसी में मैदा, उसी से चीनी पाउडर, उसी से दूध, ऑयल और
ये चीनी डाल रही हूँ, पीसी चीनी है मैंने 1 कप डाली है। उसके अलावा 1 कप और लूंगी, उसको भी 2 कप के करीब मैंने इसमें पीसी चीनी डाली है। आप थोड़ा मीठा पसंद करते हो ज़्यादा तो उसमें थोड़ा सा और चीनी डाल सकते हैं, मैंने तो 2 कप ली है चीनी। देखिए सबको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। ये जो मैंने मैदा का मिश्रण अलग तैयार करके रखा था, अब उसको धीरे धीरे इस बटर वाले मिश्रण में मिलाऊंगी मैं और इसको मिक्स करते समय ये याद रखना है कि एक ही दिशा में हमें फेंटना है, चलाते ही रहना, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर रही हूँ, लगातार फेंटना है हमको। देखिए मेरा मिश्रण एक सार हो रहा है, एक जैसा हो रहा है और एक ही दिशा में हमें एक ही तरफ फेंटना है, उसको चारों तरफ नहीं घुमाना। देखिए मैंने अपना पूरा मैदा इसमें मिला लिया, कोको पाउडर वाला जो मैदा था मेरा मिक्स हो गया सारा। अब हमको 10 से 15 मिनट इसको फेंटना है। देखिए मैंने सबको मिक्स कर लिया है, मेरा मिश्रण अब ऐसा कुछ हो गया है रेडी। ये उसकी एक लेयर बन रही है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट फेंटूंगी, फिर उसके बाद इसमें मैं किशमिश ऐड करूंगी, थोड़ी किशमिश, थोड़ी टूटी फूटी, और ये जो मैंने कैंडी बना के रखी है उसको भी ऐड करूंगी। और लास्ट में जब पकाने का टाइम आएगा उससे थोड़ा सा पहले 1 चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी। और ये कुकर आज मैं ये केक मैं आज कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर को पहले थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। मैं आज इस डिब्बे में बनाने वाली हूँ, उसको ग्रीस कर रही हूँ बटर से, सारे में अच्छे से लगा लूंगी जिससे पकने के बाद वो केक हमारा आसानी से निकल जाएगा। एक तरफ मैंने कुकर गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और उसके नीचे मैं आज ये जाली रखूंगी, जो कुकर की जाली आती है उसको रख दूंगी। मैंने मैदा डाला हुआ है बटर के बाद इसमें मैदा डाला हुआ है, उसको चारों तरफ ऐसे लगा लूंगी पूरे डिब्बे में। देखिए सारा अच्छे से लग गया मैदा, एक्स्ट्रा मैदा को हम संभाल के ऐसे पलट लेंगे, सारा निकल गया है। ये मेरा केक का बैटर तैयार हो गया है, जो मैंने देखिए ऐसा है कुछ, और कलर कितना अच्छा आया है देखिए। ये बनने के बाद भी बहुत अच्छा बनता करिएगा। और अब मैं टूटी फूटी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा, कुछ कैंडी डालूंगी मैं। मैंने वनीला एसेंस डाला हुआ है, पूरा चम्मच भर के नहीं लिया है, इतना ही लिया है। अब इसको भी इसी बैटर में मिला रही हूँ, फिर एक बार उस सबको मिक्स कर दूंगी। केक के मिश्रण को इस टिन में डाल रही हूँ, देखिए कलर कितना अच्छा आया है। मैंने सारा मिश्रण इसमें डाल दिया है अपने, और इसको मैं एयर बबल्स इसके निकाल के
मैंने अपने केक को इसमें सेट कर दिया है कुकर को कर के और सीटी के मैंने ढक्कन इसका बंद किया हुआ दे रही हूँ 45 मिनट के लिए। मैं इसको ढक्कन खोल के देखूंगी कि मेरा केक कितना पक गया है या कितना अभी उसमें समय बाकी है। वैसे जब भी मैं इसका ढक्कन ओपन करूंगी आपको दिखाती हूँ। मेरा केक बेक होके रेडी हो गया है। देखिए 45 मिनट्स लगे मुझे इस केक को बेक करने में और मैंने ये केक बताया था जैसा कि मैंने कुकर में बनाया है। और अब पीस आपको दिखा रही हूँ कट करके, देखिए कितना स्पंजी बना हुआ है और इसमें टूटी फूटी सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं जो मैंने डाली हुई है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।